हाय फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे अपने अपने घरों में। लेकिन अभी फ्रेंड्स, मैं जस्ट यहाँ से अभी गुजर रही थी तो मुझे एक बात याद आया कि क्यों ना यहाँ पे ऑल इंडिया में कैसे लोग, कोल इंडिया के अंदर में कोई भी लड़का लड़की को अगर कोई डाउट होगा कि कोल इंडिया में कोई नौकरी भी करता होगा या नौकरी करने का चाहत रखता होगा, तो सोचते होंगे कि कोल इंडिया में नौकरी करने के बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी और कैसा रहता है वहाँ पे। तो मैं आज वो आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वार्टर वगैरह है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है यहाँ पे। तो इसीलिए, और यहाँ पे एक बात बता दूँ, यहाँ पे कोल का बहुत बड़ा एक खाना भी है। कोल मतलब हम लोग यहाँ पे कोयलरी बोलते हैं, तो कोल का खाना है वो वहाँ पे, जहाँ से बहुत दूर में है, तो जहाँ से कोयला निकाला जाता है तो वो बहुत दूर में है। इसी की वजह से हम लोग वहाँ पे इतना जा नहीं पाते। कभी गए तो वहाँ पे ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे क्वार्टर सब, हॉस्पिटल और यहाँ पे म्यूजियम वगैरह सब कुछ है, तो वो सब चीज़ से आप आज आपको रूबरू कराएंगे, हम दिखाएंगे। तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं, पहले जाएंगे हॉस्पिटल। तो चलिए अभी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है एक्चुअल में हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल में कोल इंडिया में जो नौकरी करते हैं उन लोगों का ये फैसिलिटीज़ है कि उन लोग यहाँ पे फ्री में ट्रीटमेंट करा सकते हैं, और बाकी के जो सिविलियन आदमी लोग होते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा पैसा लगता है, लेकिन बाहर से थोड़ा कम। देखिए यहाँ पे है क्वार्टर, मतलब कोल इंडिया क्वार्टर सब है यहाँ पे। देखिए कैसा रहता है क्वार्टर, अंदर में भी जाके मैं दिखाऊंगी आप लोगों को क्वार्टर कैसा रहता है अंदर में। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं यहाँ पे कोल इंडिया क्वार्टर में आ गई हूँ। तो ये मुझे यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, तो वो बोल रही है कि ये नर्स, मतलब यहाँ पे सिस्टर्स का कॉलोनी है, यहाँ पे नर्स वगैरह जो हॉस्पिटल का क्लाइंट्स है वो लोग यहाँ पे रहते हैं। तो उन लोगों का देखेंगे उन लोगों का क्वार्टर कैसे मिलता है वहाँ पे, मतलब कोल इंडिया के अंदर में जो भी काम करने वाला है उन सब के लिए क्वार्टर होता है। तो वैसे यहाँ पे उन नर्स और सिस्टर जो भी है, मतलब हॉस्पिटल के अंदर में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए है ये पूरा कॉलोनी। तो ऐसा करके है, देखिए तो देखिए अभी मैं अंदर में जाके दिखाऊंगी इन लोगों का, मतलब कमरा कैसा करके मिलता है वो दिखाऊंगी। तो ये मतलब वीडियो एक्चुअल में मैंने बनाया है, जो मतलब कोई हो तो सोचता होगा कि कोल इंडिया में क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है, कोल इंडिया में कैसा होता है, अगर हम लोग नौकरी करना चाहे तो कैसा रहता है, मतलब क्या क्या मिलता है हम लोग को फैसिलिटीज जो अभी का नया जनरेशन है उन लोगों की। तो आप लोग आइए पहले अंदर में, मैं दिखाऊंगी। वैसे इन लोग बहुत शर्मा रहे हैं, वैसे मैंने कहा था आपको पहले वाले वीडियो में भी, यहाँ के लोग वीडियो में बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, तो एक्चुअली वही हो रहा है यहाँ पे। फिर भी मैं पूछ के कुछ बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए कितना प्यारा सा, इतना छोटा सा रूम है, कितना छोटा प्यारा सा क्वार्टर है। ये कुछ नंबर है कल्याणपुर। देखिए ये एक रूम है, एक सीटिंग, मतलब ये एक सीटिंग रूम है आई थिंक। देखिए कितना प्यारा लग रहा है रूम, मतलब जो अपना अपने हिसाब से यहाँ पे डेकोरेट करके रख सकते हैं, मतलब अपना है। ये दो रूम, वो लगा के एक और ये लगा के दो, यहाँ पे हाँ मतलब बेडरूम डेकोरेट करके रखा हुआ है। तो उसके बाद में ये है किचन, किचन बहुत छोटा साइज का है, दो किचन ऐसा ही मिलता है। उसके बाद अभी तक लगा के किचन और दो रूम लगा के तीन रूम हो गया। अभी यहाँ से अंदर में फिर एक रूम है, ये लगा के हुआ चार रूम, और ये है पांच। और इधर से आई थिंक कहीं जाने का दरवाजा है, शायद बाहर जाने का शायद दरवाजा है कोई, वहां पे अंदर तक मैं नहीं जाऊंगी। तो चलिए अभी फिर यहाँ पे पूछूंगी कि यहाँ पे कैसे रोग रहते हैं, कैसे मतलब कितना साल का वो उन लोग एग्रीमेंट होता है, क्या है वो सब। और इधर में क्या है, वो ये लॉक है क्या ये वाला दरवाजा? और ये यहाँ पे क्वार्टर में रहती है ये बहन जो छोटी सी है, मतलब बहुत प्यारी है, मतलब इतना शर्मा रही है मुझे
यहाँ पे मतलब कैमरे में बात करने के लिए, तो कोई बात नहीं, तो उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे कितने साल रह सकते हैं इन लोग और यहाँ पे कैसे रहते हैं लोग। बहुत साल से रह रहे हैं, और पापा का किसी भी घर का एक जन का नौकरी होने से यहाँ पे रह सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे एक जन का नौकरी होने से मतलब पूरा फैमिली यहाँ पे रह सकता है, क्वार्टर मिलता है ना। हाँ, तो उसके बाद में पूरा मतलब पर्मानेंट नौकरी हुआ तब भी रह सकते हैं या टेम्पररी होने से भी रह सकते हैं, मतलब टेम्पररी होने से भी रह सकते हैं। तो कितना साल से रह रहे हो? 20 साल से रह रहे हैं, जबकि यहाँ पे देखिए इन लोग पूरा 20 साल रह रहे हैं, मतलब अपना मर्जी है जितना भी रह सकते हैं, मतलब जो अपने फैमिली के मेंबर्स है वो जितना साल नौकरी करे उतना साल रह सकता है ना। यहाँ से ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होता है दूसरी जगह पे, ट्रांसफर भी होता है दूसरी जगह पे। तो आप लोग का ट्रांसफर नहीं हुआ यहाँ से, और आपका कौन नौकरी करता है? मम्मी नौकरी करती है इनकी। वाओ, ये तो अच्छी बात है। कोई बात नहीं, इतना डरने का जरूरत नहीं है। तो देखिए, देखा आप लोगों ने रूम कितना मतलब सुंदर रूम है यहाँ पे ना फ्रेंड्स, पूरे के पूरे 5 रूम है और इतने क्यूट क्यूट रूम है ना यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है दिखने। तो देखिए, ये बहन का कुत्ता भी है, बोला छोटा सा पप्पी है, तो उसको मैं वो दिखाना चाहती है, अपना पप्पी को बहुत प्यार करती है। तो देखिए उनका पप्पी को, देखे पप्पी काटेगा तो नहीं, ये तो पप्पा जैसा है पप्पी। देखिए ये क्या, आप लोग इसको सिखा के रखा है क्या कुछ? ये तो काटेगा जैसा काट रहा पप्पी। ये क्या खाता है? पेडिग्री खाता है वो, इसका भात वात नहीं देते, वो देता है। कितना वहाँ के कितना साफ करके रख दिया है पप्पी को। क्वार्टर देते हैं, मतलब जितना हो सके उन लोग बैठ सकते हैं, खुद ब खुद उन लोग मेंटेन करके भी रूम को रख सकते हैं, मेंटेन करके कुछ एक्स्ट्रा बना के, एक्स्ट्रा रूम बना के भी अलग से रह सकते हैं, मतलब जितना रह सके उतना रह सके। और यहाँ का लोगों का मानना है उन लोग यहाँ पे 25 साल से रह रहे हैं, कोई 25 साल है, कोई 20 साल है, अभी जैसे मैंने पहले मैं आपको बताया वो लोग 20 साल से, तो ऐसा करके यहाँ पे ऐसे करके रहते हैं। लेकिन ये क्वार्टर जब तो बहुत छोटा है, और आगे में भी बहुत बड़ा बड़ा क्वार्टर है करके बोल रहे हैं इन लोग, तो हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे। और यहाँ पे जितने, यहाँ पे ऐसा है कि जब तक ट्रांसफर नहीं होता तब तक यहाँ पे रह सकते हैं आप, जितना चाहे उतना रह सकते हैं। ये एक रूम करके होता है, ये एक है शायद, उसके अंदर अंदर में शायद 2-3 रूम है इस टाइप से, ये एक करके 2 रूम कर तो फिर यहाँ पे आई मैं, अभी यहाँ पे आई तो देखिए यहाँ पे थोड़ा यूनिक है क्वार्टर, जो बिल्डिंग टाइप का है तो मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे ज्यादा नहीं है बिल्डिंग है, हाँ, आगे तरफ में एक दो करके थोड़ा बहुत बीच बीच में रह रहे हैं हम, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 7 साल हुआ है। और आप लोग का ट्रांसफर होगा तो मतलब वो कितना साल में ट्रांसफर होगा? वो तो मालूम नहीं, अभी नहीं और नहीं बोला, मतलब ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब यहाँ के लोगों का ऐसा है ना कि मतलब जितना साल यहाँ पे नौकरी करेंगे उसके बाद में नौकरी जब तक है मतलब रह सकते हैं, इस टाइप का भी है। लगा के बोला, हाँ। सब लगा के कितना? 3? हाँ, 3 सब लगा के 3 रूम मिलता है, तो ऊपर में भी और नीचे में भी, ऊपर नीचे करके मतलब ऐसा करके सब, हाँ। सब मतलब सारे रूम में 3-3 करके। लेकिन जो पहले वाले में मैंने दिखाया था जो सिस्टर लोग था वहाँ पे 5 रूम था, यहाँ पे इतना है। लेकिन वही है कि यहाँ पे बिल्डिंग टाइप से है तो दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब सब मतलब एक कॉलोनी ही है मतलब यहाँ पे, तो इस टाइप का है। तो मतलब यहाँ पे मतलब जो भी मिलेगा मतलब यही का उसमें लोग फैमिली वगैरह मिलेंगे। चलिए अभी अंधेरा हो गया, अभी जैसे हम लोग घर जाएंगे अभी जल्दी से, और आगे में जाते हैं तो एक म्यूजियम भी है, वो अभी बंद हो चुका है, बाद में हम लोग वो म्यूजियम में जाएंगे और वहाँ पे वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है, अंधेरा भी हो गया और म्यूजियम क्लोज हो गया मेरे पास, तो अभी वहाँ पे जाके वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। अभी फिर जाएंगे हम लोग घर। देखिए ये है असली म्यूजियम, अभी जो बंद हो चुका है। यहाँ पे फिर कभी आएंगे नेक्स्ट टाइम, तब वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ बाहर से देखिए।